क्या खाएं कि प्रेगनेंसी बहुत सरलता से हो जाए। खाना इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो खाना ही है जो हमारे शरीर का ईंधन है। और पीरियड्स में ही क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, जब एक फीमेल बॉडी में पीरियड का पहला दिन स्टार्ट होता है, तो ओवरीज में एग का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुका होता है, और उस दिन से एक नया फॉलिकल मैच्योर होता है, उसमें एग डेवलप होता है, और अगले साइकिल की प्रेगनेंसी की तैयारी शुरू हो जाती है। इसलिए पीरियड के डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि पीरियड में ब्लड लॉस होता है, महिलाओं के शरीर में खून की कमी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कभी भी वो रिकूप नहीं हो पाता अगर आप उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आज हम पीरियड रिलेटेड डाइट को समझने वाले हैं, जो कि जल्दी कंसीव करने में आपकी मदद करेगा। तो पीरियड में ऐसा क्या खाएं, पीरियड टाइम पे ऐसा क्या खाएं जिससे कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएं? कुछ फूड ऐसे हैं जो फॉलिकुलोजेनेसिस यानी कि फॉलिकल के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ओवुलेशन को ट्रिगर करते हैं, जिससे कि आपका मासिक चक्र नियमित हो जाता है, और नियमित होते ही प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में हम उन फूड को भी समझेंगे। कुछ ऐसे फूड भी हैं जो यूट्रस ओवरीज को ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं, जिससे उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती है। कुछ ऐसे फूड हैं जो आपकी गट को मजबूत बनाते हैं, हेल्दी रखते हैं, गुड बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है, हार्मोन, इम्यूनिटी सब कुछ परफेक्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें साइंस बेस्ड हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि बहुत सारे हजारों हजारों महिलाएं बेनिफिट हो रही हैं। तो आपको खाना क्या है, सबसे पहले समझ लें। खून की कमी दूर करने के लिए पत्ते वाली सब्जियां, जैसे कि पालक है, तो आप पालक सूप ले सकते हैं, पालक की सब्जी, साग बना सकते हैं सिंपल लोहे की कढ़ाई में, जिसको चावल के साथ, रोटी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा हुआ कि आपने पालक नहीं लिया, किसी दिन नहीं लिया, तो उस दिन आप चुकंदर, गाजर, टमाटर, इन चीज़ों का सूप ले लीजिए, वेजिटेबल का सूप बना लीजिए। कुल मिला के आपको हरी पत्तेदार सब्जियाँ का सेवन करना है। इससे क्या होगा, इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन छुपा हुआ रहता है, मिनरल्स, विटामिन्स बहुत सारे डेंस होता है इनके अंदर। तो जब आप इनको लेंगे तो जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी पूर्ति काफ़ी हद तक हो पाएगी। साथ ही एग के डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर को मिलेगा, तो एग का डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। अनार, अंजीर और मुनक्का, ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इन तीन चीज़ों को आप लें, क्योंकि अंजीर बॉम की तरह है, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो दो अंजीर भिगोकर आप ज़रूर खाएं, अनार का सेवन कर सकते हैं, जूस ले सकते हैं, क्लिनिकली प्रूवन है कि इनसे फर्टिलिटी बढ़ती है। याद रखें, शक्कर का सेवन ज़्यादा ना करें। शक्कर की बजाय अगर आपको मीठा खाना है, खाने के बाद मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है, तो थोड़ा सा डेट्स, खजूर खा सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ और तिल का लड्डू खा सकते हैं, छोटा लड्डू, शहद का सेवन कर सकते हैं चाय आते, लेकिन आपको सफ़ेद शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही प्रोसेस्ड फूड, अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप हेल्दी चीज़ें खा लीजिए, एक दो दिन खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर क्रेविंग नहीं आएगी। तो प्रोसेस्ड फूड जैसे कि ब्रेड है, पिज़्ज़ा बेस वगैरह हैं, बंस वगैरह हैं, इनका सेवन आप ना करें। अब बात आती है एक ज़बरदस्त आइडिया की, जो ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, एग डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, वो है सौंफ और लौंग। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये एग के डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करता है, FSH को प्रमोट करता है, और साथ ही ओवुलेशन को भी ट्रिगर करता है। तो सौंफ और लौंग, एक चम्मच सौंफ और दो लौंग को एक गिलास पानी में भिगो दीजिए रात भर, सुबह उठकर फिल्टर करके उस पानी को पी लीजिए। इससे काफ़ी हद तक लीवर को भी आराम मिलेगा, लीवर के टॉक्सिन्स भी रिमूव होते हैं, लीवर में कूलिंग होता है, लीवर फंक्शन इम्प्रूव होता है, और इनफर्टिलिटी सोल्यूशन के लिए भी ये ड्रिंक बहुत अमेजिंग होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे जब फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, ये मेरा वादा है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।